हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माधुरी वाला किचन में। तो आज मैं चना चाट बनाऊंगी। चना चाट बनाने के लिए मैंने काले वाला चना लिया है और इसे ओवन आए तक मैंने भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल भी चुका है, तो हम इसे उबालेंगे। तो हमने ये भगोना लिया है, हम भगोने में उबालेंगे। तो हम चने को इसे डाल देते हैं और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो हमने जो है कि चने से इतना ऊपर हमने पानी डाला है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हम स्वाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फिर हम जब चाट बनाएंगे तो उसमें हम नमक डालेंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा खाने वाला सोडा, जिससे हमारा चना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा उबलने के बाद। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। जो है कि गैस जला लिया है और गैस पे हमने भगोने को रख दिया है चना उबलने के लिए। तो गैस की फ्लेम हमने मीडियम की है, फिर चना उबल जाता है, फिर आगे का हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो चना हमारा उबल चुका है और मैंने इसे उबाल करके इसका पानी निकाल लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से उबल गया है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। पैन लिया है और उसमें हमने तेल डाला हुआ है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो उसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़के के लिए, थोड़ा सा जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जीरा जो है कि हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है और जो हमने उबाल के चना रखा था अब उसको हम इसमें डालेंगे। और इसे डाल के हम इसको मिला लेते हैं और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। चना डाल के हमने इसे भून लिया है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और ये हमारा थोड़ा सा चाट मसाला है, इसको भी हम इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है और इसमें जाएगा ये रेड लाल मिर्च है, इसको भी इसमें डालेंगे। और ये हमारा एक चम्मच के करीब अमचूर पाउडर है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला है। और स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ था। तो बहुत ही हल्का सा हम नमक इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नमक डाला है तो उसे हमें ध्यान रखते हुए इसमें नमक डालना है। फिर इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं और ये हमारा चटपटा सा बिल्कुल चाट चना हमारा बनके तैयार होने वाला है। मसाला डाल के भी थोड़ा सा भून लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना पानी बहुत है। थोड़ा सा हम पानी डाल के भी चने थोड़ा सा पका लेते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने टमाटर लिया था मीडियम साइज का था तो हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हम डालेंगे। और ये हमारा थोड़ा सा धनिया है और एक मैंने हरी मिर्च ली थी क्योंकि मैंने इसमें मिर्च डाली है इसीलिए, तो ज़्यादा तीखी ना हो जाए, इसको भी इसमें डालते हैं, मिला लेते हैं। मैंने टमाटर, प्याज, हरी धनिया सब डाल के मैंने मिला लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और आपको इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। और हमारा चाट चना बन करके तैयार है। मैं इसे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि हमारा जो है कि चना चाट बन करके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और हेल्दी भी है। सुबह सुबह आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और अपने भी खुद खा सकते हैं, बच्चों को भी ले खिला सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में छोटी सी घंटी होगी, आप उस पर भी क्लिक करिएगा
जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर अगली रेसिपी लेके हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।